इस वीडियो के थ्रू मेरा पर्पस किसी तरह का भय या डर फैलाना नहीं है, बल्कि आप सब लोगों को चाइना में शुरू हुई कोरोना वायरस नामक महामारी के बारे में अवेयर करना है। ये बताना इम्पोर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि इंटरनेट पे बहुत सारी अनकन्फर्म्ड न्यूज़ या फिर अफवाह सर्कुलेट हो रही हैं। मैं एक बार फिर हाजिर हूँ कोरोना वायरस की करंट सिचुएशन पे अपडेट लेकर। कोरोना वायरस का क्या इलाज है और क्या रोकथाम है इसका? हेल्थ मिनिस्ट्री और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने क्या गाइडलाइंस या रिकमेंडेशन जारी की है, उनके बारे में जानकारी शेयर करूंगी। इसके साथ ही बाकी की न्यूज दूंगी कि इंडिया में कोरोना वायरस के कितने कंफर्म केसेस हैं और ये भारत के लिए कितना बड़ा खतरा है, क्योंकि अभी तक भारत में 600 से ज्यादा लोगों में इस वायरस के सिम्टम डिटेक्ट हुए हैं और उनके सैंपल्स लिए गए हैं। चाइना, जहां से ये वायरस पूरी दुनिया में फैला है, वो क्या कदम उठा रहा है इसकी रोकथाम के लिए? इसके साथ ही सोशल मीडिया पे बहुत सारी र्यूमर्स फैली हुई हैं, उनमें कितनी सच्चाई है, इन्हीं सब टॉपिक्स में बात करेंगे। बने रहिए वीडियो के एंड तक पूरी जानकारी के लिए। पहले जल्दी से ये जान लेते हैं कि कोरोना वायरस है क्या। कोरोना वायरस एक सार्स और मर्स की फैमिली से बिलोंग करता हुआ वायरस है जो इंसान के रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक करता है, बट तीन रीजंस की वजह से ये महामारी का रूप लेता जा रहा है। पहला, अभी तक इसका कोई वैक्सीनेशन नहीं ढूंढा गया है, मतलब इसका कोई इलाज पॉसिबल नहीं है। दूसरा, जब तक बॉडी में इस वायरस के सिम्टम्स दिखना शुरू होते हैं, हमारी बॉडी इससे इन्फेक्टेड हो चुकी होती है। और तीसरा, इसके शुरुआती लक्षण जैसे कि खांसी, जुकाम, हेडेक, रनी नोज, बिल्कुल फीवर जैसा लगता है, तो जब तक डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाते हैं तो वायरस बॉडी के इंपॉर्टेंट ऑर्गन जैसे कि हार्ट, किडनी और लीवर तक फैल जाता है, तो रिकवरी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाती है। चाइना के एक वुहान शहर से फैलना शुरू हुआ और दुनिया के अमेरिका, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया समेत 20 देशों तक फैल गया। अकेले चीन में 132 लोगों की इस वायरस की वजह से डेथ हो चुकी है, जो पिछले दो दिनों में 3 गुना बढ़ी है। इंडिया के लिए बहुत अच्छी न्यूज है कि अभी तक एक भी केस पॉजिटिव नहीं पाया गया है, चाहे वो बिहार के पीएचडी के स्टूडेंट की बात हो या फिर मोहाली के बैंकर, चंडीगढ़ पीजीआई में एडमिट पेशेंट की। महाराष्ट्र और केरल में 100 से ज्यादा लोगों के सिम्टम्स कोरोना वायरस के सिम्टम से मेल खाते हुए मिले हैं, और वही चाहे राजस्थान के MBBS लड़के की बात हो, जितने भी केस हैं उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है, उन सभी में कोरोना वायरस के सिम्टम्स हैं और उनका ब्लड सैंपल लेके टेस्ट किया जा रहा है। उनको आइसोलेशन मतलब क्वारंटाइन में रखा गया है ताकि ये बाकी लोगों तक ना फैले। तो इसीलिए अभी तक इंडिया में कोई पैनिक होने वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। चाइना से आने वाले एक एक पैसेंजर का थर्मल स्क्रीनिंग किया जा रहा है, सभी का बॉडी टेम्परेचर चेक किया जा रहा है, क्योंकि सबसे पहला लक्षण बुखार या निमोनिया जैसा होता है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि चीन से आने वाली 150 से ज्यादा फ्लाइट्स में 33,000 से ज्यादा पैसेंजर्स का चेक किया गया है और सभी का रिजल्ट नेगेटिव आया है। 26 जनवरी से लेकर 29 जनवरी तक 3 ही दिनों में ये वायरस 10 देशों से बढ़कर 20 देशों में फैल गया है। हालांकि चाइना को छोड़कर किसी देश में अभी तक कोई डेथ केस रिपोर्ट नहीं हुआ है, बट चाइना में ये वायरस भयंकर रूप ले चुका है। अभी तक 133 लोग इसकी चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं और 6,000 से ज्यादा कन्फर्म केस हैं जो अपनी जिंदगी से जूझ रहे हैं, जिनको हॉस्पिटलाइज किया गया है और उनका इलाज चल रहा है। और ये 6,000 का आंकड़ा 2003 में फैले सार्स को पार कर चुका है। थाईलैंड में रिपोर्टेड केस की संख्या 14 है, वहीं जापान में 7, हांगकांग में 8, यूनाइटेड स्टेट, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया में 5-5, कनाडा में 3 और पड़ोसी देश नेपाल में 1 केस रिपोर्ट हुआ है। चाइना में सिचुएशन कितनी खराब है इसका पता इस बात से लगाया जा सकता है कि वायरस के पीड़ित लोगों का इलाज करने के लिए अर्जेंट बेसिस पे मल्टी स्पेशलिस्ट 2 हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं, जिनमें दोनों को मिलाकर 6,000 से ज्यादा बेड्स की फैसिलिटी है। इंडिया समेत कई देश, जापान, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस अपने नागरिकों को वुहान शहर से इवैक्यूएट कर रहे हैं। इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने बताया है कि चाइना डिप्लोमेट से कांस्टेंट टच में है और लॉजिस्टिक्स का इंतजाम किया जा रहा है और भारतीयों को वापस लाने के लिए प्लेन्स रेडी कर लिए गए हैं। साथ ही 24/7 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, 011-239-78046। अगर आपको कोई जानकार चीन के वुहान या फिर आसपास के शहर में है तो कॉन्टैक्ट करके हेल्प ली जा सकती है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि चाइना इस कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए क्या कर रहा है। जैसा अभी बताया, 6,000 से ज्यादा बेड वाला मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। दुनिया भर के साइंटिस्ट
कोरोना वायरस की वैक्सीन खोजने में लगे हैं। साथ ही यूएसए, ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े देशों के प्राइवेट हॉस्पिटल्स और मेडिकल कंपनीज भी इसका तोड़ निकालने में लगी हुई हैं। वुहान और हुबई सिटीज को लॉकडाउन कर दिया गया है, सभी तरह के ट्रांसपोर्ट बंद कर दिए गए हैं ताकि ये देश के बाकी एरियाज में ना फैल सके। सोशल मीडिया और इंटरनेट पे कोरोना वायरस को लेकर काफी र्यूमर्स फैल रहे हैं, जिनके बारे में मैं आपको सतर्क करना चाहती हूँ। ऐसे र्यूमर्स भी फैल रहे हैं कि चाइना इस वायरस पे वुहान शहर के पास लेबोरेटरी में रिसर्च कर रहा था कि टाइम आने पर दूसरे देशों के खिलाफ यूज किया जा सकता है, और गलती से ये वहीं फैल गया। इंडिया के तमिलनाडु में किसी डॉक्टर ने ये क्लेम किया है कि उनके पास हर्बल मेडिसिन के फॉर्म में कोरोना वायरस का तोड़ है, बट मैं ऐसी किसी न्यूज पर रिलाय नहीं करती हूँ क्योंकि अभी तक किसी इंटरनेशनल एजेंसी या फिर ऑर्गेनाइजेशन ने इसको अप्रूव नहीं किया है। मैंने कुछ लोगों के ऐसे अटपटे क्वेश्चंस भी देखे हैं, जैसे मैं वेजिटेरियन हूँ तो क्या कोरोना वायरस से मैं सेफ हूँ? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनिशियल रिसर्च में ये जरूर सामने आया था कि वायरस सांप या चमगादड़ जैसे एनिमल्स खाने से इंसानों में आया है, बट अभी ये कम्युनिकेबल होने की वजह से ह्यूमन टू ह्यूमन भी फैल रहा है। एक और र्यूमर मैंने इंटरनेट पे पढ़ा है जिसको पढ़ के तो मेरी हंसी ही निकल गई कि क्या कोरोना बियर पीने से भी कोरोना वायरस फैल सकता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोरोना बियर और कोरोना वायरस दो अलग अलग चीजें हैं, इनका कोई मेल नहीं है। और अब बात कर लेते हैं कि आप कोरोना वायरस से बचने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में हैं जो अभी चाइना या अफेक्टेड कंट्री से ट्रैवल करके आया है और आपको खांसी, जुकाम या बुखार जैसा लग रहा है, तो अच्छे से डॉक्टर के पास जाके जल्दी से जल्दी अपना चेकअप करवा लें। इंटरनेशनल ट्रैवल में चाइना जाने से बचें। अगर आपकी फ्लाइट का स्टॉप ओवर है तो ट्राई करें कि दूसरे रूट के थ्रू फ्लाइट बुक करवा लें। अगर आप कॉस्मोपॉलिटन सिटी में रहते हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते टाइम मास्क का यूज करें। नॉर्मल मास्क इस वायरस को फिल्टर नहीं कर पाता, इसलिए N95 या फिर N99 नंबर का मास्क यूज करें। यह आपको 100 से 150 रुपए तक केमिस्ट की शॉप पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। बाहरी कंट्री से इम्पोर्टेड मीट कुछ टाइम तक बंद कर दें या फिर परहेज करें। अगर आप खाते ही हैं और आपको खाना ही है तो रॉ मीट ना खाएं, उसको अच्छे से पका के खाएं। और सबसे ज़रूरी चीज़, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाए। कोरोना वायरस के बारे में भारत में अवेयरनेस बढ़ाने में आप भी भागीदार बने। इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियोस आ गई है अनकन्फर्म्ड या फिर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन के साथ। प्लीज़ आप उसको वेरीफाई करके ही आगे शेयर करें। अननेसेसरी लोगों में डर ना बिठाए। मेरे वीडियो की मैं गारंटी लेती हूँ कि एक एक इन्फॉर्मेशन आप गूगल करके वेरीफाई कर सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट ही मिलेगी। इससे पहले मैंने पिछली वीडियो में कोरोना वायरस को एंड टू एंड एक्सप्लेन किया है कि ये क्या है, सिम्टम्स क्या है, कहाँ से पैदा हुआ, क्या ये क्योरेबल है। अगर आपने वो वीडियो मेरी अभी तक नहीं देखी है तो इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ज़रूर आप उसको देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने में मेरी हेल्प करें, ताकि लोग इन सब र्यूमर्स पे ज्यादा ध्यान ना देकर कोरोना वायरस के भयवे रूप को समझे और अपना ध्यान रखे। देखते रहें आशीमास किचन, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगी हो तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। अपना और अपनों का ख्याल रखें, उन्हें ढेर सारा प्यार करें। प्लीज शेयर दिस वीडियो इफ यू केयर फॉर द ह्यूमन लाइफ।